नमस्कार, डोगरी खबरें सुनदा स्वागत है। मैं मालू शर्मा से लोपान्या तिहाड़ के लेखे चौखे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केवाड़िया च राष्ट्रीय एकता दिवस की सैलीब्रेशन च हिस्सा लेता। इस मौके पर उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी उपर जाइए उन्हें की श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर च लोआए गए विजिलेंस अवेयरनेस वीक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्हें आख्या जे उनकी ये कोशिश है जम्मू कश्मीर च भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस लोगों की प्रदान की जाए। इस देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में यह फैसला हुआ था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सरदार पटेल जी की जन्म जयंती पर माने 31 अक्टूबर से विजिलेंस सप्ताह मनाया करेगा। अगर आप विचार करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि इसके पीछे मनसा यही रही है कि सभी अधिकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक माने आवाम की सामूहिक ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई का वातावरण बनाया जाए। कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर च सेना से एक पाकिस्तानी आतंकवादी की मारी मकाया गया। इस संबंधा च अजे और मती जानकारी केवल किया जा करदा। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और सरदार वल्लभ भाई पटेल होरें की श्रद्धांजलि अर्पित की। करने के अपने अधिकारियों की थे अपने अफसरें की यूनिटी प्लेज भी दोहराई। बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर से कार्यक्रम लाया गया जिस दौरान बीजेपी नेताएं सरदार वल्लभ भाई पटेल होरें की श्रद्धांजलि अर्पित की। सांबा च पुलिस आसिया रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया ते शहीद पुलिस के जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो इस सब का एक मैसेज यही है कि आदमी और हमारे जो युवा पीढ़ी हैं वो नशे से दूर और बुरी आदतों से दूर रहें और खेल कूद में और पढ़ाई में और फिटनेस में ध्यान दें। तो इसलिए आज सब ने हमने यहाँ पे सुबह एक रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। कांग्रेस आसियां जम्मू से कार्यक्रम लगाया गया जिस दौरान स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होने की उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये जनिया के एक कार्यक्रम श्रीनगर भी लगाया गया जिस दौरान कांग्रेस लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी की श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर पुलिस आसिया राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस मौके पर जम्मू च कार्यक्रम लगाए गए। एडीजीपी जम्मू और इस मौके पर अधिकारियों की शपथ दिलाई। एनएसएस यूनिट आसिया जम्मू यूनिवर्सिटी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया ते सरदार वल्लभ भाई पटेल होरें की उनकी जन्म एनिवर्सरी के मौके पर चेता किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर हम एनएसएस के वॉलंटियर्स द्वारा आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया जिसमें रन फॉर यूनिटी के लिए रखा गया और राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने का हमारा प्रोग्राम था। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आसिया विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया। इस मौके पर मेयर और आख्या जे उस गल्ला की सुनिश्चित करगन जे लोकें की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हासिल हो सके ते पारदर्शिता आ सके। एकता दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी अधिकारियों ने और हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सभी ने शपथ ली है कि हम करप्शन को रोकेंगे और हाई इंटीग्रिटी बनाते हुए काम करेंगे। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन आसिया अपनी मांगे के लिए ये प्रदर्शन किया गया। ये लोग मंडल कमीशन रिपोर्ट की लागू करने की मांग के लिए ये प्रदर्शन करा करते हैं। ओबीसी की बात करें, आज क्या है क्या मंडल कमीशन लागू कर रहे हैं? कौन मंडल कमीशन क्यों नहीं लागू की जा रही है? और पहले 27 कास्टें थी और 4% ओएससी का था, लेकिन आज 15 कास्टें और तो उसके ऊपर थ्रस्ट की गई हैं, थोपी गई हैं, जो कि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। सशस्त्र सेवा बल आसिया जम्मू च रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर इन्हें राष्ट्रीय एकता दिवस की मनाया ते करने के सगंध भी चुकी। हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। हम भी राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं जो कि लोगों में एक राष्ट्रीय एकता का भावना पैदा करेगी, लोगों को जागरूक करेगी कि कैसे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आसिया जम्मू च एक मेगा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें मते छात्र हिस्सा लेता। में हम लोगों ने बच्चों को समझाया व्हाई सीए कोर्स शुड बी टेकन, क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए, व्हाट आफ्टर बिकमिंग अ सीए दे कैन डू और ये कितना फाइनेंशियली ल्यूक्रेटिव ऑफर है उनके लिए। एट अ वेरी वेरी यंग एज ऑफ 21 कोई एक सीए बन सकता है।
पुंछ च जिला पुलिस आसिया नेशनल यूनिटी डे दे मौके पर रन फॉर यूनिटी दा आयोजन किया गया। ए पुलिस हेडक्वार्टर थमां शुरू होई ते स्टेडियम तोड़ी गई। जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद डिफरेंट तबकों के लोग जो रहते हैं उनमें आपसी यूनिटी के लिए जनन किया गया और जिला पुंछ के स्कूलों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और पूरे पुंछ को पैगाम दिया कि हमें अपनी एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। 46 बटालियन बीएसएफ आसिया प्रगवाल च कार्यक्रम लगाया गया जिस दौरान नेशनल यूनिटी दिवस मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल और सीमावर्ती यह इलाका जो प्रगवाल इलाका है जम्मू का, इस इलाके के जो आम नागरिक हैं वो हम सब एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम इस दिवस को एक विशेष रूप और विशेष दिवस घोषित कर सकें। नेशनल यूनिटी दिवस 2022 के मौके पर डीसी बारामूला डॉक्टर शहरी सरकार और रन फॉर यूनिटी की झंडी दस्सी रवाना किया, इस मते विद्यार्थियों हिस्सा लेता। इस डोगरी खबर का बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।